शांति से हट जाओ, अन्यथा बांध कर यहीं बैठा देंगे। इतना साहस है तो जो कहा है वो करके दिखाइए। हुआ पार्वती? पता नहीं, कुछ आभास हुआ। वो मेरा पुत्र? आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा, अभी तो कुछ क्षण पहले ही आपने उसे बाहर भेजा है। ऑफ डेथ मैं देखता हूं तुझे, तान बदल दे, तीदा चल दूंगा। पर वार करने का परिणाम, मैंने कहा था ना, कोई भी इस रेखा को पार नहीं कर सकता। तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? हम अभी जाएंगे रेखा के पार। चले जाइए यहां से, अन्यथा और दुर्गति होगी आप सभी की। हम महादेव के घर अब और अपना अपमान नहीं सहेंगे। आगे बढ़ो। आपकी यही इच्छा है तो यही सही, कर लीजिए प्रयास।
स्वामी अभी तक आए क्यों नहीं? पार्वती, अरे पार्वती, तुम ये सुगंधि लगाना तो भूल ही गई। ये विशेष सुगंधि तुम्हारी माता ने भेजी है। भेजने का प्रयास करेगा उसके साथ मैं यही व्यवहार करूंगा। हती बालक, अब मैं तुम्हें दंड देकर ही रहूंगा। इसमें तो मेरे मायके की स्मृति छिपी है, अवश्य ये सुगंध मेरे स्वामी को भी भाएगी। श्रृंगी के सिंह ने यदि इस बालक को भेद दिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये वहां कहां जा रहे हैं? इन्हें रोकने के लिए तो मुझे इनके सिंह नष्ट करने होंगे। अभी इनका सिंह इनके शीश से विलग करता हूं। नहीं, ये नहीं हो
सकता। शंगी के प्राण तो उसके सिंह में वास करते हैं, यदि उसके सिंह टूट गए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये होगा कि नंदी जी का सामना ये कैसे करता है। आप सभी पीछे नहीं हटूंगा, आपका डट कर सामना करूंगा। इन्हें इससे आगे कदापि नहीं जाने दूंगा।
पीछे से मेरी पूछ पकड़ ली, मुझे रोक दिया इसने। अभी तो रोका ही है, अब आपको इस रेखा से दूर भी ले जाऊंगा। मैं इन्हें खींच क्यों नहीं पा रहा हूं? आदेश अटल था, अटल रहेगा। वायुदेव, स्वामी, कहाँ थे आप? चिंता के मारे मेरे प्राण सूख रहे थे। कुछ हुआ था क्या? गजासुर ने हम देवताओं को बंदी बना लिया था। यदि उचित समय पर विष्णुदेव और नंदी हमें उसके बंधन से मुक्त नहीं कराते तो दुष्ट गजासुर हमारी और दुर्दशा करता। नंदी? हाँ नंदी, अद्भुत था वो दृश्य जब नंदी ने अपने अपार बल का प्रयोग करके भोलेनाथ को गजासुर से मुक्त कराया। नंदी का अपार बल तो भोलेनाथ की सेवा के लिए सदा तत्पर रहता है। लौट क्यों रहे? क्या करना चाहते हैं वो? इस भवंडर में स्थित रहो बालक। नारद भयभीत, यदि उनके पुत्र का तनिक भी अनिष्ट हुआ तो माता पार्वती भवंडर उत्पन्न कर देगी। किंतु मैंने जो किया वो भी तो आवश्यक ही था, उसमें भी था सृष्टि का हित। माता पार्वती के क्रोध से कैसे रहूं सुरक्षित? नारद प्रफुल्लित, माता पार्वती का क्रोध जागृत हुआ है तो वही शांत कर सकते हैं, अर्थात विष्णुदेव। नारायण नारायण, शीघ्र ही वैकुंठ चलता हूं मैं, अति शीघ्र। नारायण नारायण। भवंडर से बाहर निकलना ही होगा। ये क्या हुआ? कैसा प्रकाश था ये? स्वामी, मुझे ज्ञात है कि आप गजासुर के वश से अति आनंदित हैं, किंतु उससे भी अधिक आनंदमय सूचना मेरे पास है। गजासुर के वध से अधिक आनंद में सूचना हमारे लिए और क्या हो सकती है? बताती हूँ प्रभु, बताती हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए।
देवी पार्वती के निमंत्रण पर मैं कैलाश गई थी। आपको पता है मैंने वहाँ कैसे देखा? वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर। अद्भुत? कौन है अद्भुत? वो बहुत हुई आपकी क्रीड़ा, अब मैं आपकी इस कृत्य का उचित उत्तर दूंगा। क्रीड़ा तो तुम्हारी बहुत हुई है बालक, किंतु अब नहीं होगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.